गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सीए अंकित अग्रवाल। हमने थोड़े समय पहले हमारे डेबिट गुरु के प्लेटफॉर्म से एक क्लासेस का अनाउंसमेंट किया था, स्मार्ट अकाउंटिंग क्लास का। कई लोग के डाउट थे कि सर इस क्लास में एक्चुअली में होगा क्या। मैम ने थोड़ा सा ब्रीफ किया था, सो उसके लिए मैं आप सभी के डाउट को क्लियर करने के पर्पज पे आज एक डेमो लेक्चर लेके आया हूँ। इस लेक्चर में मैं आपको बेसिकली दो बातें बताऊंगा कि ये क्लास क्यों और इस क्लास में क्या। ये क्लास क्यों, इसलिए क्योंकि कई लोग का पूछना था कि सर जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं वो पढ़ तो रहे हैं, वो ट्रेनिंग भी करते हैं, तो ये क्लास से हमें फायदा क्या क्या होगा। तो देखो, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, उस एजुकेशन सिस्टम में आपको जितने भी बातें बताई गई हैं वो थ्योरेटिकली ही बताई जाती हैं, थ्योरेटिकली ही पढ़ाई जाती है। मैक्सिमम जो कॉलेज में वो यही होता है, और आज के कुछ जो कॉलेजेस हैं वो प्रैक्टिकल जो ज्ञान वो देने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये अभी पूरी तरीके से हो नहीं पाया है। तो ऐसे बच्चे जो बीकॉम या बीबीएस में हैं या फिर एमबीए से हैं, उनको नॉलेज तो सारा होता है लेकिन प्रैक्टिकली क्या रिलेवेंस है उसका, इसके बारे में उनको कुछ भी पता नहीं होता। और बिलीव मी, ये दोनों बातें बहुत डिफरेंट है। मतलब अगर आपका 100% नॉलेज लेके प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो वो आपको 30% ही हेल्प करेगा। आपको स्टिल इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि इसको प्रैक्टिकली करना कैसे है। ये चीज आपके इंटरव्यू में और आपकी अपकमिंग जॉब में बहुत दिक्कत जो है देती है, बिकॉज अगर आपको पढ़ाना नहीं है उस चीज को, तो उसको प्रैक्टिकली करना कैसे है ये आपको आना चाहिए। अब रही बात जो लोग ट्रेनिंग करते हैं, जो लोगों की आर्टिकलशिप्स होती हैं, उनके साथ में एक बहुत बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि जिन लोगों के यहाँ पे वो आर्टिकलशिप कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि उस फर्म में आपको अकाउंटिंग फील्ड से या फाइनेंस फील्ड से सारा काम इनकॉर्पोरेट उस फर्म में हो। लेट से जो मेरी आर्टिकलशिप हुई है वो एक टैक्सेशन फर्म थी, टैक्स बेस्ड फर्म थी। तो आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ माई आर्टिकलशिप जब मैं बाहर आया तो मेरे को एक्सटेंसिव नॉलेज था टैक्स का, लेकिन जॉब में जब मैं गया तो मेरे को जरूरी नहीं है कि वो जो कंपनी है वो आपसे सिर्फ टैक्स का काम जो है वो करवाएगी। अगर आपको स्पेसिफिक टैक्स के जॉब के लिए ही अपने आप को रखना है तब तो वो ओके है, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव एक नॉलेज हो टैक्स के साथ साथ अदर बातों का भी, तो आपको हर चीज का बेसिक तो नॉलेज कम से कम होना चाहिए। तो इसलिए ये क्लास जो है वो फ्रूटफुल उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों ने किसी एक सिंगल डायनेमिक में अपनी आर्टिकलशिप जो है या ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट की है। अब इस क्लास में क्या होगा, इस क्लास में हम 3 बातें बेसिकली ध्यान देंगे। पहली बात तो हम लॉ के बारे में पढ़ेंगे जो बेसिक है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ बेसिक बताऊंगा मैं आपको लॉ के बारे में, क्योंकि अगर मैं पूरा लॉ पढ़ाने गया तो ये जिस टाइप से जीएसटी या इनकम टैक्स की जो बैचेस होती हैं वो बन के रह जाएगी और ये बात संभव है भी नहीं। नंबर 2, जो आपको नॉलेज होगा उसके स्क्रीनशॉट जो प्रैक्टिकली अपन जो हम करेंगे उसके स्क्रीनशॉट्स मैं आपको लेने को बोलते रहूंगा काम के टाइम पे। और नंबर 3, जो अपन पढ़ेंगे उसका अपन प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि ये कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हमें इसकी जरूरत है और क्या हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो अब और समय आपका वेस्ट ना करते हुए मैं आपको एक छोटा सा एक डेमो मैं दिखाना चाहूंगा कि इस क्लास में अपन करेंगे क्या। तो देखिए, ये हमारा कैमरा, ये आता है, एक टॉपिक है, मैं क्विकली बताऊंगा, एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये टॉपिक जीएसटी का टॉपिक है, एक अपने आप में ग्रंथ है। अगर मैं इसके आपको लॉ में पढ़ाने गया
तो आपको ये क्लास जो है सिर्फ एक इनपुट टैक्स टैक्स क्रेडिट की ही होगी। सर अगर ये इतना ही वास्ता था तो आपने डेमो में लिया क्यों? बिकॉज मैं चाहता हूँ कि एक बार आपको मैं जो हार्ड टॉपिक्स हैं उसका डेमो दे पाया तो बेहतर है। मैं आपको क्लास में मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि सिंपल से एक टॉपिक को लेके मैं आपको ज्वाइन करने के लिए खुश कर। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट के पहले थोड़ा सा एक जीएसटी का अपन बेसिक समझते हैं। जीएसटी में होता क्या है, अगर दो लोग हैं, एक हूं मैं और एक है मेरा फ्रेंड, दोनों के पास में जीएसटी नंबर है मेरा। अब जो जीएसटी नंबर होता है वो उसका जो पहला दो डिजिट होता है वो स्टेट का कोड होता है, ये सब अपन समझेंगे के बाद में। अभी तो अपन ये मानते हैं कि भाई मेरा एक जीएसटी नंबर है जिसका नाम है जीएसटी वन और इसका नंबर है वो है जीएसटी टू। नंबर में क्या क्या होते हैं सब अपन अच्छे से पहले देख लेंगे। मैंने निशान से एक माल परचेस किया, ₹100 उस माल की कीमत थी और उसमें उसने ₹18 का जीएसटी चार्ज किया और ₹118 की बिलिंग करके ये माल मेरे को सेल आउट किया। मैंने इस माल को प्रोसेस किया, ₹200 का बनाया, मतलब अपना प्रॉफिट ऐड किया, ₹200 का बना के ₹36 का जीएसटी चार्ज करके ₹236 मैंने सामने मार्केट में सेल आउट कर दिया जिसका जीएसटी नंबर स्टिल था जीएसटी 3 मान लेते हैं इसको। अब देखिए जीएसटी में होता क्या है, ये सारी सेल और परचेस को रिकॉर्ड करने के पर्पस पे हमें दो रिटर्न भरनी होती हैं। एक का नाम होता है जीएसटीआर 1 और एक का नाम होता है जीएसटीआर 3B। अब मैं करता क्या हूं, जीएसटीआर 1 में हम दो लोग हैं, पहला है अंकित, अंकित को भी जीएसटीआर 1 भरना होगा और उसको दिखाना होगा कि मार्केट में इस जिस भी पर्सन को इसने माल बेचा है उसको ₹200 का माल दिया है, ₹36 का जीएसटी लगाया है, उसका जीएसटी नंबर जो था वो जीएसटीआर 3 था, एक्सेट्रा 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 सारी जो डिटेल है वो भरनी पड़ती है। और जीएसटीआर 1 जो है वो निशांत भी भरेगा, उसने बताएगा कि उसने ₹100 का माल अंकित को दिया था, ₹18 का जीएसटी लगाया था, अंकित का जो जीएसटी नंबर था वो जीएसटी 1 था। डन। अब जब मैं बात करूंगा मेरे पोर्टल की, मेरे पोर्टल में क्या होगा, मेरे को दिखेगा मेरे पोर्टल में दो बातें होंगी। पहली बात, मैं अपनी सेल दिखाया, किसमें दिखाया, जीएसटीआर 1 में, और मेरे को मेरी परचेज दिख रही होंगी दो दो जगह पे। एक दिख रही होगी जीएसटीआर 2A में और एक दिख रही होगी जीएसटीआर 2B में। अब होगा क्या, मेरे को सेल मेरी दिख रही है ₹200 की, ₹36 का जीएसटी है, परचेज मेरे को दिख रही है ₹100 की, मैंने उसमें ₹18 का जीएसटी पहले से दिया हुआ है, नेट जो टैक्स है वो ₹18 मैं गवर्नमेंट को भरूंगा जीएसटीआर 3B में, एक्चुअली पेड कर। ये बात समझ में आई आराम से भाई, सेल दिख रही होगी, परचेस दिख रही होगी। सर 2A 2B क्या है, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है, पर अभी सिंपल सी बात यह कि भाई मेरी सेल थी ₹200 की, ₹36 का जीएसटी था, परचेज में मैंने ₹18 का जीएसटी ये लिया है और ये दिया है, नेट जो है मैं गवर्नमेंट को ₹18 का जीएसटी भर आते हैं। अब फटाफट मैं बात जो कर रहा हूँ मेरे ही जीएसटी के पोर्टल की मैं कर रहा हूँ और किसी की भी नहीं कर रहा हूँ। अब मेरा पोर्टल देखिए, मेरे पोर्टल में दो बातें होंगी, एक तो होगी जीएसटीआर 2A जो मैंने आपको बताया और एक होंगी जीएसटीआर 2B। अपन को जीएसटीआर 1 और 3B के जो कॉन्सेप्ट हैं वो पहले से ही क्लियर है। अब अपन बात करते हैं जीएसटीआर 2A और 2B की। अब देखो होगा क्या, अगर मेरी इनवॉइस डेट है 1 अप्रैल 2023, किसकी
इनवॉइस डेट में की मैं बात कर रहा हूं परचेज की, मेरी इनवॉइस डेट डेट है 1 अप्रैल 2023, तो मेरी जो ड्यू डेट है सामने वाले की ड्यू डेट GSTR 1 की जो ड्यू डेट डेट है वो होगी 11 मई 2023। अगर वो सामने वाला 11 मई 2023 को अपने रिटर्न भर देगा तो मेरे को ये जो परचेज के बिल हैं ये 2A में भी दिखेंगे और 2B में भी दिखेंगे और सिस्टम में मेरे को 3B में भरते समय इसका क्रेडिट भी दिखेगा जिसको मैं सेट ऑफ कर सकता हूं। डन बात है। किस मंथ पे? अप्रैल के ही मंथ पे, ठीक है। लेकिन अगर इसकी जो एक्चुअल भरने की डेट है, अगर इसने एक्चुअल में भरा 13 मई, मैं लिख देता हूं 2023 को, तो मेरे को 2A में दिखेगा अप्रैल में, 2B में मेरे को नहीं शो होगा अप्रैल के, 3B में ये सेट ऑफ के लिए भी नहीं दिखेगा और मेरे को 2B में शो होगा ये मई के 2B में शो होगा, अप्रैल के 2B में शो नहीं होगा। सर इससे होता क्या है? अब होता है तो वो फटाफट देखो, आपको बिल का क्रेडिट लेने के लिए, ये जो भी बात हो रही है ना, ये 18 रुपए की बात हो रही है, जो 18 रुपए का हमारा जो है क्रेडिट था, बिल का क्रेडिट अपने को लेने की ये बेसिकली 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहला, एक्चुअल ट्रांजेक्शन जो है वो डिलीवर हुआ हो, आपके पास में बिल हो और सेटलमेंट प्रॉपर हुआ हो। सेटलमेंट का टाइम होता है विद इन 6 मंथ पर, वो ये अभी अपन इसके बारे में भी बात करेंगे डिटेल में, ठीक है, तो ही मैं उसकी क्रेडिट ले पाऊंगा। लेकिन अगर मैं अपनी GSTR 1 की डेट को डिले करता हूं, सामने वाला अगर अपनी GSTR 1 की डेट को डिले करता है तो मेरे को ये क्रेडिट 2B में नहीं दिखेगा, साइमल्टेनियसली मेरे को 3B में भी ये क्रेडिट अपने आप सिंक्रोनाइज नहीं होगा, इसलिए मेरे को क्रेडिट लेने के लिए 3B को एडजस्ट करना होगा। कैसे, क्या क्या करते हैं हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे। अब अगर मैं 3B को एडजस्ट करूंगा तो 3B को एडजस्ट करने के बाद, मतलब बेसिकली 3B जो है उसकी परचेस जो कॉलम में ये फिगर नहीं दिख रहा होगा और मेरे को उसमें अपने से मैन्युअली फीड जो है करना होगा। जैसे मैं मैन्युअली फीड करूंगा वैसे ही GST का पोर्टल एक एरर मैसेज देगा कि आपको के पास में इतना क्रेडिट नहीं है, लेकिन स्टिल आप दिखा रहे हो, भविष्य में कोई दिक्कत हुई तो उसके जवाबदार आप हो गए। अब अगर ये 3B में मैं इसको एडजस्ट करता हूं अप्रैल की, तो मैं साथ ही साथ जब मई भरूंगा तो मेरे को याद रखना है कि ये मई में वो क्रेडिट दिख रही है जिसको मैं ऑलरेडी अप्रैल में ले चुका हूं, तो अगेन मैं मई का भी 3B एडजस्ट करके वहां से इस क्रेडिट को हटाऊंगा। बात समझ में आई? अब सर ये फंडा कैसा है, थोड़ा सा इसका एक्सटेंसिव केस अपन जो है वो देखते हैं। लेट से मैंने जब जो सामने वाले से परचेस की थी उसकी इनवॉइस डेट थी 1 अप्रैल 2023, मुझे जो मेरी ड्यू डेट थी 1 भरने की वो थी 11 मई 2023, मैंने नहीं भरा, तो मैंने अगर 11 मई 2023 में भी नहीं भरा और मैंने भरा इसको लेट से केस नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि आपको बिल जो है वो मैचअप तो करने पड़ेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में भी, किसने हमारा भरा और किसने हमारा नहीं भरा। अगर अप्रैल का मैंने इसको भरा 20 मई को, तो क्या होगा, यहां बात कर लेते हैं 2B और 2A, क्या 2A में शो होगा? जवाब है यस। क्या 2B में शो होगा? नहीं होगा। तो किसकी 2B में शो होगा? ये 2B में शो होगा ये
में, ये तो मैं अभी अपन ने ऊपर में डिस्कस किया, आगे आते हैं। केस नंबर टू, मेरी जो बिल की डेट थी वो थी 1 अप्रैल 2023, लेकिन मैं अप्रैल में ये बिल डालना भूल गया। मैंने इस बिल को कंसिडर किया मई की रिटर्न में, कब लिया मैंने ये बिल, मई में। अब मेरी जो मई की ड्यू डेट थी ना, वो मई की ड्यू डेट थी 11 मई जून 2023। अब अगर मैंने इसको 11 मई 2023 में भर दिया, अगर तक भर भर दिया, तो क्या 2B में दिखेगा? किसके 2B में दिखेगा? मई के 2B में, यस दिखेगा। क्या 2A में दिखेगा? किसके 2A में? मई के 2A में, बिकॉज अप्रैल में तो हम भरे ही नहीं ना, तो अप्रैल के 2A में तो दिखने का सवाल ही नहीं है। तो क्या मई के 2A में दिखेगा? जवाब है यस। अब अगर 2A 2B में दिख रहा है, अब अगर हमने यहां भी लेट कर दिया, हमने 12 जून को भरा 2023, तो क्या मई के 2A में दिखेगा? जवाब है यस। क्या 2B में दिखेगा मई के? जवाब है नो। फिर वो किसके 2B में दिखेगा? जून के। ये सारा खेल होता है। अभी क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये हमें क्यों जरूरत पड़ती है, ये हमें हमारी परचेज को देखना होता है कि भाई ये जो हमारी परचेज है, ये एक्चुअल में सामने वाला हमसे क्रेडिट का पैसा लेके एक्चुअल में दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। प्रैक्टिकली देखते हैं और एक बिल के बारे में समझते हैं। ये एक पार्टी है, डोंट इससे परमिशन ली हुई है, इसकी हम डेटा देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये पोर्टल है, यहाँ से ये लॉगिन हुआ, लॉगिन होने के बाद में इसका हमने कोड डाला 9604003। जिन लोगों ने GST में प्रैक्टिस की हुई होगी उनको ये बहुत सब आसान दिख रहा होगा। हम ये जो डैशबोर्ड है यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई मई की ड्यू डेट निकल कर गई है, इसके बाद भी अभी आपने इसका 3B या 1 मतलब वहाँ 1 जो है अब तक भरा हुआ नहीं है। अब देखिए हम यहाँ पे मई पे आए, रिटर्न डैश डैश डैशबोर्ड पे आए, अब ये दिखा रहा है कि भैया अब तक हमने मई की ड्यू डेट क्रॉस कर ली है और अब तक हमने ये भरा नहीं है। 3B की ड्यू डेट आज ही है, तो ये आज की ड्यू डेट यहाँ पे दिखा रहा है। अब आते हैं 2A पे। 2A पे जो हमको डिटेल दिख रही है वो दिख रही है दो, ये दोनों ने टाइम पे अपना GSTR 1 भर दिया है, मतलब ये डेट अपने को, ये दोनों बिल अपने को वाइट और स्प्लैश और ये अमेजोन के हमको 2B में भी दिखने चाहिए। पहले इस दोनों बिल को देखते हैं। देखिए उन्होंने अपना GSTR 1 टाइम पे भरा था, इसलिए हमको यहाँ पे ये वाइट स्प्लैश और अमेज़न के बिल 2B में भी दिख रहे हैं। लेकिन सर उसके अलावा भी बहुत सारे बिल हमको 2B में दिख रहे हैं सर, ये सर चक्कर क्या है? और ये हमको जो लेट किए हैं वो 2A में दिखने से चाहिए थे, पर वो 2A में नहीं दिख रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? एक एक करके कोई भी एक बिल अपन पकड़ के देख के देखते हैं। चलिए हम एक बिल ये वाला ले लेते हैं, नंबर 1 का जो बिल है, बिल नंबर है इसका 2204। अभी मैं कैमरा सेट करता हूँ, 2004 मेरा बिल नंबर है, पार्टी का नाम है AF Enterprises। इनवॉइस की डेट है, इनवॉइस डेट इंपॉर्टेंट होती है, इनवॉइस की डेट है 31/3/2023। देखो यहाँ पे ध्यान से, 31/3/2023 जो है वो हमारी इनवॉइस डेट है। प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है MP है, रिवर्स चार्ज नहीं, सब बताऊंगा मैं क्या है, अभी आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। टैक्सेबल वैल्यू जो है वो 12,000 दी है स्टेट, यहाँ सब। इसका जो GSTR 1 है वो कब भरा, इसको एक्चुअल में कब लिया गया? अप्रैल मंथ में भरा हुआ है। कब भरना था इसको? भरना था मार्च के मंथ के नेक्स्ट डेट पे, पर किस पीरियड पे भरा इसको अपन ने? APRIL अप्रैल में भरा 2023 को। ध्यान से ड्यू डेट कब इसको, इसको एक्चुअल में भरा कब? 20/5/2023 को, 20/5/2023 को इसको हमने भरा। ITC इसकी जो है वो अवेलेबल है, ई इनवॉइस नहीं है। अभी अपन सिंपल बेसिक से बात करते हैं। चलो एक बार कैमरा को दोबारा टर्न करते हैं।
चलिए तो साहब 31/3/2023 की ड्यू डेट है, 31/3/2023, बताइए कब इसका भरना था भाई? मार्च की है तो अप्रैल 11/2023 में भरना था, मार्च की डिटेल भी भरनी थी, पर हमने क्या यहां भरा नहीं। तो क्या मार्च के टू ए, तो क्या अब मार्च के 2A में शो होगा? जवाब है नहीं। क्या 2B में शो होगा? जवाब है नहीं। ठीक है सर, कोई बात नहीं, हम इसकी तो डेट हम भूल गए। अब आता है अप्रैल, अप्रैल को ये इनवॉइस हमने भरा, अप्रैल की ड्यू डेट है 11, 11 है डेट, 11/5/2023। क्या हमने अप्रैल में इस ड्यू डेट तक भरा? जवाब है नहीं। तो किस डेट पे भरा? हमने भरा 20/5/2023। तो 2B की बात करते हैं, 2B में कहां पे शो होगा? क्या अप्रैल की 2B में शो होगा ये? जवाब है नहीं, अप्रैल की 2B में ये शो नहीं होगा। तो क्या मई की 2B में शो होगा? जवाब है यस, बिकॉज अप्रैल में ही लेट भरती है, तो अपन ये मई में शो होगा। अब बात करते हैं 2A की, क्या अप्रैल के 2A में शो होगा? बिल्कुल सही, एकदम होगा, बिकॉज हमने लेट भरा था, तो उसका जो एक्नॉलेजमेंट है वो हमको 2A में देखने को मिलेगा। अब एक बार अपन चेक कर ले लेते हैं कि सीन क्या है। 2B में तो ये दिख ही रहा था, अब एक बार अप्रैल में चेक कर लो, क्या अप्रैल के 2A में ये दिख रहा है? जवाब है यस, AF इंटरप्राइजेस था, ये रहा AF इंटरप्राइजेस, बिल नंबर 200-204, ये पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। आई होप मैं क्लियर हूँ, कोई समस्या इसमें अब तक नहीं आपको दिख रही होगी। अब सर एक्चुअल में है क्या चक्कर? तो चक्कर सर ये है कि जिसे मान के चलते हैं, एक अपन कोई भी जो रिटर्न अपन ने अभी रिसेंटली भरी हो उसको देखते हैं अपन, मई वाली, मई की रिटर्न में, अच्छा इसकी मई की रिटर्न नहीं तो फाइल नहीं, सॉरी अप्रैल की रिटर्न में, अप्रैल की रिटर्न में 2B जो दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ पे 1,03,000, 1,03,000 और 3739 रुपये। ओके, ये सिंक्रोनाइज होके, ये फिगर जो है वो सिंक्रोनाइज होके जीएसटी के 3B में आता है, जीएसटी के किस में आता है? 3B में, यहां पे दिखती है एलिजिबल आईटीसी, ये दिए दिख रहा है आपको, ये हमको यहां पे लेना पड़ता है। अब चूंकि इसका क्रेडिट हमने पहले ले लिया था, इसलिए हम यहां पे कोई सेल नहीं भी रही होगी, तो ये सिंक्रोनाइज होके यहां आता है, यहां 2A का फिगर डिफरेंट होगा, तो वो इस सिंक्रोनाइजेशन का 2A से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है चलो, तो ये आपको समझ में आया कि भाई इसमें जो है प्रैक्टिकल लाइफ में आईटीसी की क्रेडिट जो है कैसे ले लेते हैं। अब जब ये क्लास अपन जब करेंगे तो इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि भाई 3B एक्चुअल में भरना कैसे, तो बहुत सिंपल होता है, 3B भरना तो बहुत ही इजी इजी होता है, क्या पेनल्टी होती है, क्या प्रोसीजर होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई आपको मैं प्रैक्टिकली चीज मैं चीजों को दिखाऊंगा, साथ ही साथ नोट्स आपको बताऊंगा। तो यहाँ का जो जो डेमो है वो यहीं पे खत्म होता है। ऑल द बेस्ट, पॉजिटिवली मिलते हैं क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।